हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज हम एसक्यूएल व्यू में एक एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना सीखेंगे और वो कोड देखेंगे जिसकी मदद से हम एरिथमेटिक ऑपरेशंस एसक्यूएल व्यू में भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को आपको ओपन करना है, तो ओपन कर लीजिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। मेरे पास 2007 वर्जन है, मैं इसको ओपन कर लेता हूं। यहां से ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन हो गया। ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है, तो यहां से करते हैं क्रिएट पर क्लिक। और टेबल को कोई नाम मैं दे देता हूं, जैसे मैं दे देता हूं यहां पर प्रोडक्ट नेम कर देता हूं मैं, प्रोडक्ट नेम। ठीक है, ये प्रोडक्ट नेम कर दिया हमने। और प्रोडक्ट नेम जो है टेक्स्ट डेटा टाइप होगा, और टेक्स्ट डेटा टाइप रखने के बाद यहां पर प्रोडक्ट की प्राइस आएगी, तो यहां पर प्राइस लिख लेता हूं। ठीक है, और यहां पर हम क्या करते हैं, नंबर रखते हैं, और इसको चाहे तो डबल बना सकते हैं यहां से। ठीक है, ये कोडिंग आप एसक्यूएल व्यू पे भी कर सकते हो, लेकिन हम इसमें टोटल करना सीखेंगे, एसक्यूएल में कैसे टोटल करते हैं। ठीक है, इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर आपको देना है यूनिट, तो यहां पर यूनिट दे दीजिए। और यूनिट भी क्या होगा, नंबर डेटा टाइप होगा, और इसको भी हम यहां से बना लेंगे डबल। ठीक है, तो ये हमने कर लिया डबल। और फिर यहां पर जैसे ही आएंगे तो अब टोटल की बात करेंगे, तो यहां लिखा टोटल, बस आपको टोटल लिखना है। और यहां पर भी इसको बना लेना है नंबर, और यहां पर इसको बना लेना है डबल। इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल यहां पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सेव करने के लिए बोलेगा, आपको इसको क्या करना है, सेव कर लेना है। तो यहां से यस प्रेस करके इसको सेव कर लीजिए। अब यहां पर प्रोडक्ट का नाम दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया कीबोर्ड, इसको सेव कर लेते हैं। और अब हमें क्या करना है, क्रिएट पे चलना है, क्वेरी डिजाइन पे आना है, और यहां पर ये जो शो टेबल दिख रही है यहां से आपको इसको क्लोज कर देना है। और यहां से एसक्यूएल व्यू पे क्लिक कर दीजिए, यहां सेलेक्ट आपको दिख जाएगा। अब हमको सेलेक्ट करना है, हमारे टेबल का क्या नाम है, एसक्यूएल नाम है, तो आपको सिंपली यहां लिखना है सेलेक्ट, और ये जो सेमीकोलन लगा हुआ है इसको आप हटा दीजिए, यहां से हटा दिया। अब आपको क्या करना है, उस टेबल का नाम देना है जिस टेबल में आपकी जो क्वेरी बननी है वहां से वो डेटा फेच होगा, उसका नाम देना है। तो यहां पर देख सकते हैं SQL नाम है हमारे टेबल का, तो हम यहां दे देते हैं SQL, जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही डॉट। अब हम पहले क्या करेंगे, यहां पे प्रोडक्ट नेम को लेके आएंगे, फेच करेंगे, तो यहां लिख दिया हमने प्रोडक्ट नेम, दे दिया। ओके, इसके बाद आप कॉमा दे दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, उसके बाद फिर टेबल का नाम आपको देना है। ठीक है, तो SQL टेबल से ही हम लेके आ रहे हैं डॉट। अब प्राइस की बात करेंगे, तो यहां लिख दिया हमने प्राइस, और प्राइस देने के बाद कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद फिर इंटर करेंगे। अब की बार हम देंगे यूनिट, तो फिर हमने लिखा SQL डॉट यूनिट। ओके, तो ये यूनिट भी कर दिया हमने, कॉमा दे दीजिए। अब हमको यहां पर कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने के लिए सम, ठीक है, लगाया हमने। आपको हमने एक सम फॉर्मूला सिखाया था जो मल्टीप्लीकेशन भी करता था, एक्चुअली एक्सेल में भी ऐसा आप कर सकते हैं। तो यहां पर हमको प्राइस को मल्टीप्लाई करना है किससे, यूनिट से, तो यहां पे यूनिट कर दिया हमने। ठीक है, और इसको कर दिया क्लोज। और यहां पे लिखते हैं एज, यहां पे क्या लिखेंगे, एज टोटल, तो यहां थोड़ा गैप दे देते हैं, देखने में भी ठीक लगेगा ये, एज गैप दिया। फिर यहां पे लिखेंगे टोटल, तो यहां लिख दिया हमने टोटल। और टोटल करने के बाद हमको क्या करना है, ये जो टोटल है इसको हमें लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट में, ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको हमने टेबल से फेच किया है, तो ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट में ही हम लिखेंगे। तो यहां पे टोटल हमने कर दिया। इसके बाद क्या करना है, फिर हमें यहां पे लिखना है फ्रॉम। अब फ्रॉम लिखने के बाद क्या करेंगे, फ्रॉम कहां से ये आ रहा है, एसक्यूएल से आ रहा है, तो एसक्यूएल लिख दिया हमने। SQL लिखने के बाद फिर इसको ग्रुप बाई करेंगे, तो लिखा हमने ग्रुप गैप बाई, ग्रुप बाई कर दिया हमने। और फिर यहां पर उस टेबल का नाम आएगा, तो SQL हमारे टेबल का नाम है जहां से हम डेटा फेच कर रहे हैं, प्रोडक्ट नेम लिखा हमने, और कॉमा देंगे, फिर नीचे आएंगे। प्रोडक्ट नेम लिखने के बाद हमको क्या देना है, प्रोडक्ट नेम लिखने के बाद हमको देना है प्रोडक्ट की प्राइस, तो जो भी प्रोडक्ट की प्राइस रही होगी, तो SQL टेबल से हम लेके आ रहे हैं प्राइस। ठीक है, यहां पर जो ये SQL टेबल है ना, इसी से हम ये सारा डेटा फेच कर रहे हैं,
तो इसीलिए यहां पे प्राइस लिख दिया। अब यहां पर यूनिट, क्योंकि कैलकुलेशन हम पहले ही कर चुके हैं तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, अब यहां पर हम दे देंगे सिर्फ क्या डॉट यूनिट। ठीक है, यूनिट ही तो दिया है हमने, यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारी टेबल है और यहां पर यूनिट ही लिखे हुए हैं। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं प्रोडक्ट की पी कैपिटल है, तो ये बात भी ध्यान देना है थोड़ा सा। तो यहां पर प्रोडक्ट का पी कैपिटल कर लेते हैं हम, ये कर लिया कैपिटल और यहां पर भी प्रोडक्ट का पी हम कैपिटल कर लेते हैं, जैसा लिखा है वैसा ही लिख लेते हैं। लास्ट में क्या करना है हमको, लास्ट में आपको देना है यूनिट, तो बस यहां पे यूनिट दे दीजिए, हमारा काम हो चुका है। अब हमको क्या करना है, सिंपली यहां डिजाइन पे चलना है और रन पे क्लिक करना है। तो ये मिसिंग ऑपरेटर बता रहा है कोई, तो देख लेते हैं एक बार। यहां पे कॉमा छूट गया है, अब इसको यहां से क्लिक करते हैं तो ये हमारा टोटल होकर आ चुका है, देख सकते हैं आप। अब जैसे ही आप इस वाले टेबल में यहां पे नीचे और भी चीजों को एंटर करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने एंटर करा वायरलेस कीबोर्ड, और ये मान लीजिए 670 रुपए का एक वायरलेस कीबोर्ड है और हमने 6 वायरलेस कीबोर्ड खरीदे। चलिए दूसरा डेटा भी एंटर करते आपको, और ऐसी ऐसी दो SSDs हमने खरीदी, अब इसको बस सेव कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ क्वेरी पे आते हैं, और आपको क्वेरी पे आके क्या करना है, क्वेरी पे आके आपको कुछ नहीं करना, ये जो क्वेरी बनी हुई है ना ये SQL व्यू में आ जाएंगे हम यहाँ पे, यहाँ से SQL व्यू भी आपको दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे आ जाइए और यहाँ से रन पे क्लिक कर दीजिए, तो इन सब का टोटल आपको दिख जाएगा। और इस तरह से करके जब हम एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें काफी ये सारी चीजें मदद करती हैं हमें। अभी तक हमने ये नहीं सिखाया था कि कैसे हम SQL व्यू में कैलकुलेट करेंगे, तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा, मान लीजिए कि इन दोनों को प्लस करना होता तो क्या करते, तो आपको कुछ नहीं करना होता, आप सीधा SQL व्यू में आ जाते और यहां पर जो आपने इनटू का साइन दिया है ना, इसके जगह सिर्फ आप लगा देते प्लस। ये देखिए यहां पे मैंने प्लस लगा दिया है, अब इसको रन करता हूं तो ये जो है इन दोनों को प्लस करके दे देता, यानी कि ऐड भी कर सकते हैं आप और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अच्छा, डिवाइड करना होता तो क्या करते, तो सिर्फ वहां डिवाइड का साइन लगा देते आप। देखिए मैं लगा के दिखा देता हूं, ये देखिए यहां पे हमने क्लिक किया और यहां पे डिवाइड का साइन लगा दिया और यहां से अब रन पे क्लिक कर दिया तो ये डिवाइड होके भी आ गया है, ये देख सकते हैं आप, ये डिवाइड होके भी आ गया है। तो उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी, अगर वीडियो पसंद आती हो तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।